कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मन लग रहा है पढ़ाई में? नहीं लग रहा है? लगेगा। देखिए, हम लोग क्लास सिक्स के साइंस में 3 चैप्टर को कंप्लीट किया, 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, थिंग्स अराउंड अस, यानी जो भी वस्तु है हमारे आस पड़ोस में उसकी पहचान और ऑब्जेक्ट मटेरियल्स में डिफरेंस, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर 4 है वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, जो भी मटेरियल्स है या ऑब्जेक्ट है उनके ग्रुप वाइज करके डिस्कशन करेंगे और उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट करने से पहले हम लोग किन किन चीज़ों में दक्षता हासिल कर लेंगे, एबल हो जाएंगे पहचान करने में। तो देखिए, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कर सकते हैं, एज यू लाइक, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लासिफिकेशन हो गया कि कौन से ऑब्जेक्ट किस कैटेगरीज में आएगा, ये हम लोग डिस्कशन इस चैप्टर में, ये चैप्टर क्लियर करेंगे तो ये हम एबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होता है, हर चीज़ का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, स्किल होता है। एज यू लाइक, क्या सभी मटेरियल में आप करंट को मूव करा सकते हो, पास करा सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं, सीधी सी बात है। ये आपका जवाब क्या होगा? नहीं। जैसे वुड हो गया, वुड में आप क्या कर सकते हो? प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। बट आयरन हो गया तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम हो गया, पास करता है। तो ये भी तो क्या है, मटेरियल्स ही हैं। तो उस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को देखेंगे, फ्लोटेशन, उसके बाद एडवांटेज ऑफ ग्रुप थिंग्स, यानी उस ग्रुप थिंग्स के मिलने पे हमें क्या क्या एडवांटेज होगा इन चीज की। एडवांटेज मतलब क्या? लाभ, मतलब उस मटेरियल को मिला करके हम क्या बना सकते हैं। अब जैसे देखिए, आप जैसे घर में हैं, बहुत अच्छे बिल्डिंग में हैं, क्या किसी एक मटेरियल से मिला करके आप बना लिए? गिट्टी लिए, सीमेंट लिए, रॉड लिए, बालू लिए, ब्रिक लिए, वाटर लिए, तब ये इतना सुंदर बिल्डिंग बना है। पेंट लिए, पेंट किए, तो सब मटेरियल को मिला करके एक एडवांटेज हुआ जिससे आप बिल्डिंग बनाए और उसके अंदर आप छुप करके सरवाइव कर रहे हो। तो वही चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन मेरे मन में अराइज हुआ कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर द मटेरियल्स। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मटेरियल्स ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही मटेरियल्स है। तो ये दोनों एक दूसरे का तो पूरक है, सप्लीमेंट तो है। बट देखिए इसका डिफिनीशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ थिंग दैट इज मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट उस चीज को बोलेंगे जो एक या एक मटेरियल, एक या एक से अधिक मटेरियल से मिल करके बना हो। जैसे आप अपने अराउंड अस देखे होंगे, सोफा देखे होंगे, चेयर देखे होंगे, बेंच देखे होंगे, टेबल, फैन, बहुत सारे मटेरियल्स आप देखे हैं, फैन, प्लास्टिक और आयरन के मिला, उसके बाद क्या होता है उसमें, वो जो लूप के वायर भी है, तो उस सब मटेरियल्स को मिला करके वो एक कंस्ट्रक्शन किया गया, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। जैसे ब्रिक, ईंट, बालू, मिट्टी, वाटर, वाटर उसको गर्म करके क्या बनाया गया? ब्रिक। तो बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल्स को एक जगह मिला करके एक ब्रिक का निर्माण हुआ। तो मटेरियल्स यानी ये एडवांटेज हो गया। तो यही देख लीजिए, लाइक चेयर, टेबल, बुक, फैंस, बैग्स, ETC, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मटेरियल्स क्या होता है। मटेरियल्स इज डेट एंड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, यानी मटेरियल्स इज, और मटेरियल्स इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, वैसे सब्सटेंस जिसको मिला करके एक ऑब्जेक्ट बनाया गया उसको क्या कहोगे? मटेरियल्स कहोगे। यानी लाइक वुड, मेटल, नॉन मेटल, प्लास्टिक। मेटल में क्या आ जाएगा? जितने भी मेटलिक हैं और नॉन मेटलिक, ये अभी 6th क्लास मेटल और नॉन मेटल, आगे जब चलेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा ये मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो ये मटेरियल्स है जिसको हम लोग आगे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखो बाबू, अभी दो नोट्स है इसमें, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ओनली वन मटेरियल से भी मिलके बन सकता है और मोर देन मटेरियल से भी मिलके बनता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे भोजन ही बनाना है तो आपको राइस बनाना है या फिर दाल बनाना है, तो बहुत सारे मटेरियल्स को एक जगह करते हैं। सपोज कीजिए, छोड़िए ये दाल, मटन बनाना है,
बाजार जाएंगे, मटन लाएंगे, मसाला लाएंगे, सब एक जगह करेंगे, एकदम मस्ती में आप समझ रहे हो ना। तो सारे मटेरियल्स को एक जगह करके तब पकाएंगे, और पकाने के बाद रखेंगे, आकर के बिल्ली उसमें मुंह डाल देगी, लो तो गड़बड़ हो जाएगा। वहीं देखो यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट वुड बी मेड ऑफ वन मटेरियल, मतलब वैसे ऑब्जेक्ट एक मटेरियल का भी बना हो सकता है और मोर देन वन मटेरियल का भी बना हो सकता है। जैसे चेयर वाली उडी चेयर, केवल उड मटेरियल से मिलकर के बन गया तो वो क्या हो गया, उडी चेयर, बेंच हो गया। एग्जांपल के लिए, एन ऑब्जेक्ट वुड मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल लाइक पेंसिल, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब क्या होता है, मोर मटेरियल्स को मिला करके एक ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जो मटेरियल यूज होता है उसे कहते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट को मेड करने में जो यूजेज होता है, जो सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल्स। आशा करता हूँ कि ये समझ में आपको आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में इसी जोश के साथ, इसी टाइम, इसी जगह। सो बाय माय डियर स्टूडेंट।